हेलो फूडीज, आज मैं बनाने वाली हूँ एक यम्मी सा चिकन स्टार्टर, जिसके लिए मुझे चाहिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स। अब इसको मैरिनेट कर लूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, एक एग, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दोगे। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें मैं दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद जो चिकन स्ट्रिप्स को मैं मैरिनेट की थी उसको मैं फ्राई कर लूँगी। हीट एकदम लो फ्लेम में होना चाहिए। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है चिकन को। चिकन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसको उतार दूँगी। ऐसे करके मैं सारे चिकन स्ट्रिप्स को फ्राई कर ली। अब इसका एक सॉस बनाऊँगी, जिसके लिए मैं कढ़ाई पे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल दी हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें दे रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मैं इसमें दे रही हूँ एक मीडियम साइज का चॉप्ड अनियन। अनियन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें दे रही हूँ एक मीडियम साइज चॉप्ड कैप्सिकम। अब 2 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई करके मैं इसमें दूंगी 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं दूंगी चिकन स्ट्रिप्स जो मैं फ्राई करके रखी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ड्रैगन चिकन एकदम रेडी हो चुका है। इसको मैं गरम गरम सर्व कर लूँगी। सर्व करने के टाइम इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सेसमे सीड्स स्प्रिंकल कर लूँगी, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। ड्रैगन चिकन एकदम रेडी। बहुत इजी रेसिपी है। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।